आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बीना के लिए अब रवाना हो जाएंगे। बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी आज शामिल होंगे। एक बड़ी सौगात और 50,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण दिन है ना केवल बुंदेलखंड के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में आपको बता दें बड़ा अपडेट, जहां प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और अब भोपाल से बीना के लिए उन्हें रवाना होना है। तो बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा करोड़ों की सौगातें भी आज दी जाएगी। पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी समीकरणों को भी साधने का प्रयास पीएम मोदी के दौरे के जरिए किया जाएगा। बैक टू बैक मध्य प्रदेश के दौरे प्रधानमंत्री मोदी के, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी भोपाल पहुंच गए हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई, सीधे रुख करते सेट हैंगर का। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी? पीएम मोदी भोपाल पहुंच गए हैं और यहां से अब बीना के लिए उन्हें रवाना होना है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर पर खासतौर से मिनिस्टर वेटिंग मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय खासतौर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद ही उनका स्वागत किया जाएगा और यहां से वो चॉपर के माध्यम से MiG-70 जो वायुसेना का चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, उससे बीना के लिए रवाना होंगे। एक बड़ी सौगात इस बार जया कह सकते हैं चुनाव से पहले बुंदेलखंड को मिलने वाली है। वो 50,000 करोड़ की लागत से जो बीना रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो रहा है, तो एक मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो एक बहुत बड़ी सौगात है। माना जा रहा है कि जिस तरीके का अनुमान है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। यदि 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तो वाकई बुंदेलखंड में, जिस तरीके से कहा जाता है कि बुंदेलखंड पिछड़ा या सूखा वहां पर पड़ता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके के ये सौगातों की बौछारें हो रही हैं, इससे जरूर रोजगार जो है वो लहलाता नजर आएगा। खासतौर से 2.5 लाख लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं आसपास की, इन्हें दिखाइए, क्योंकि एक बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी दीजिए कि कितना समय अभी भोपाल से बीना रवाना होने में लगेगा, वहां किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, वो भी जानकारी दीजिए। देखिए, स्टेट हैंगर की बात करें तो जया चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखिए तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। और स्टेट हैंगर के बाद भी बाहर करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खासतौर से मैं अपने सहयोगी से कहूं वो दिखाएं, ये वो रास्ता है जो ब्लॉक भी किया है, तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि वो यहां अपने प्लेन से उतरेंगे, तमाम पदाधिकारियों का स्वागत अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके बाद MiG-17 जो हेलीकॉप्टर है उससे बीना के लिए रवाना होंगे। तो माना जा रहा है कि 2 से 5 मिनट के अंदर ये सारी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी और उसके बाद वहां से बीना के लिए रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बीना पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि MiG-17 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना के लिए रवाना होंगे। तो उसी वही अलर्ट है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। किसी व्यक्ति को स्टेट हैंगर के इस मेन गेट से ही अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। राजा भोज जो विमानतल है उस तरफ जो स्टेट हैंगर का एरिया है वहां पर वायुसेना का प्लेन उतरा है और कुछ देर बाद स्वागत की जो बेला है उसके पूरे होने के बाद वो बीना रवाना होंगे। इसके अलावा एक अलर्ट और देना चाहूंगा जाए कि जिस तरीके से मौसम गड़बड़ चल रहा है, जो लगातार बारिश का दौर है, ऐसे में राजभवन में भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ट्रांजिट कैंप है, यहां से वो बीना जाएंगे हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से वापसी आने के बाद वो यहां से विशेष वायुसेना के विमान से रायगढ़ भी रवाना होंगे। तो ऐसे में यदि कहीं मौसम खराब होता है और जाने में कोई बाधा उत्पन्न होती तो कहीं ना कहीं राजभवन में भी इसीलिए स्टैंड बाय पर व्यवस्थाएं की हैं, सुरक्षा व्यवस्था की गई, तमाम व्यवस्थाएं, यदि उनको रुकना पड़ सकता है तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसको लेकर भी चाक चौबंद वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बीना के लिए रवाना होंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, क्योंकि मौसम की संभावनाओं को देखते हुए और भी तैयारियां, विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भोपाल से बीना के लिए रवाना होंगे। यहां विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए बीना से बीना के लिए वो उड़ान भरेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि मौसम को देखते हुए संभवतः मौसम कोई खलल ना डाले, इसलिए राजभवन में भी उनके ठहरने के लिए विशेष तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं।
तो बता दें आपको, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड पहुंचने वाले हैं। बीना आएंगे पीएम मोदी, जहां अपने साथ एक बड़ी सौगात लेके आएंगे। बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद वो बीना के लिए रवाना होंगे, लेकिन यहां बीना में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। 50,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है जिसका शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग स्थान पर 1,00,000 करोड़ के निवेश किए जाएंगे, और इस मेगा प्रोजेक्ट के लाने के बाद 2,00,000 लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, बुंदेलखंड प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बीना पहुंच रहे हैं, और अपने साथ करोड़ों की सौगात लेकर आ रहे हैं। 50,000 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे, जिसके जरिए प्रत्यक्ष रूप से 50,000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2,00,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्षेत्रीय सांसद जो है राज बहादुर सिंह जी है, भाई साहब क्या उपलब्धि मिलने वाली है बुंदेलखंड को? देखिए, जैसा आपके चैनल के माध्यम से भी बाकी जो कार्यक्रम है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे अपने लोकसभा क्षेत्र सागर के बीना में पधार रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक पेट्रोकेमी हब का उद्घाटन करने वाले हैं। अभी जो वर्तमान की रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की क्षमता भी बढ़ने वाली है, और जो रिफाइनरी के अन्य प्रोडक्ट होते हैं वो सब यहाँ पे बनने वाले हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारे पूरे सागर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, हमारे बीना, कुरवाई, सरोन, शमसाबाद, खुरई, इन सब यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। इस क्षेत्र में जो आप बता रहे 2,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इन 4 यूनिट के अलावा भी क्या अप्रत्यक्ष रूप से कई उद्योग या धंधे डेवलप होंगे? नहीं, एक तो प्रत्यक्ष लाभ की मैंने बात की है, जिसमें जब इतना बड़ा 50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे उसका उपयोग होगा, इतनी बड़ी राशि का, तो एक तो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ का अंदर जो आपके यहाँ पे जो अन्य एजेंट्स काम करेंगे उसमें सीधी नौकरी की भी संभावनाएं होती है। दूसरा ये होता है कि जब इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल हब यहाँ पे लगेगा, तो इससे जो अन्य उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों को प्राइवेट, उसका जो रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल का उपयोग हमारे प्राइवेट लोग भी करेंगे, जिससे वो अपने स्थानीय खुद के रोजगार, छोटे बड़े रोजगार भी इससे लगेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, पंसल न्यूज़, सागर।